हाय फ्रेंड, आई डी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी से, उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में। इसका पहला टॉपिक है प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीबा जैसे, एक मिनट दोस्तों, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहता है? देखिए, इसमें देखो, इसमें नाम में दे दिया दोस्तों, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते, दो जीव उत्पन्न होंगे तो क्या कहलाएगा? बाइनरी विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन कहलाता है। इसको नाम में ही छिपा होता है दोस्तों, इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। कह रहा है दो जीव उत्पन्न होंगे तो क्या हो जाएगा? दो जीव मतलब बाइनरी विखंडन हो जाएगा। तो पहला कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन कैसे होता? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, बताना। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तो किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा में कैसा प्रजनन होता है दोस्तों? द्विखंडन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार को डिस्कस करेंगे अब, कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो दोस्तों, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन होता है, ठीक है। कैसा होता है? बाइनरी विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो क्या है ये? उंगली जैसे आकृति वाले संरचनाएं को क्या कहा जाता है? अमीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीबा कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो ये किसके है? किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। किंगडम वर्ग प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोश की जीव यौम यूकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम, मोल्ड एवं प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इनमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकांड्रिया कार्यरत रहता है एवं इनके केंद्रक झिल्ली, गालजीकाय, गुस्का झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अंत प्रद्रव्य जालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। एक क्लोमाइडोमोनस अमीबा एंड अमीबा अप्लाज्मोडियम युगलिना एवं डायमाइट आदि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बहुविखंडन के द्वारा, ठीक है, बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? ये होता है प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, जिसमें जनन कोशिकाओं कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा करता है बहुविखंडन द्वारा दोस्तों? प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो कौन करेगा बहुविखंडन द्वारा? प्लाज्मोडियम करेगा। कौन करेगा? प्लाज्मोडियम करेगा। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार घुमा पूछता है, बस एक से दो बार आप इसको पढ़ लेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्विविखंडन कहा जाता है। जब भी दो समान संतति की बात कह देगा तो क्या हो जाएगा? द्विविखंडन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे ये पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोरीफेरा के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, के प्राणी अगतिशील होते हैं, ठीक है, के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो जो पोरीफेरा होता है उसके क्या होते हैं? प्राणी अगतिशील होते हैं। संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द, पोरस मतलब छिद्र तथा फेरस मतलब धारण करना
धारण करना से बना है। अतः पोरीफोरा का मतलब छिद्र को धारण करने वाला। इनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्पंज के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों के जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। ठीक है, तो जो पोरीफोरा होते हैं वो कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अचल होते हैं? ठीक है, अचल मतलब कि जिसमें गति नहीं होती है और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो अभी ऊपर डिस्कस किया गया है दोस्तों क्या होता है, पोरीफोरा होता है। आप देखिए पोरीफोरा यहाँ नहीं दिया, उससे संबंधित उसके एग्जांपल दिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, स्पंज जिसको साइकन एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ छिद्र जीवधारी समुद्र जीव। ठीक है, यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? साइकन, याद कर लीजिए क्या होगा, ये साइकन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 वाला डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। ठीक है, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होने, यानी उसमें न तो श्वसन होता है, न उत्सर्जक होते हैं, न परिसंचरण होते हैं, तो क्या कहलाते हो? स्पंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हो? स्पंज कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला हम डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलेंट्रेटा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, खोल के भीतर, ठीक है, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता? तो किसको किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोफ है, को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोघा वर्ग की प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घोघा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो क्या बना होता है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का जो शरीर है दो परतों से बना होता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। यह जीव आरी समित तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ठीक है, पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं के दो परतों से कौन बना होता है दोस्तों? हाइड्रा बना होता है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन और मुकुलन रीजनरेशन एंड बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? हाइड्रा। ये बर्डिंग द्वारा भी करता है और रीजनरेशन यानी मुकुलन द्वारा भी करता है और पुनर्जनन द्वारा भी प्रजनन करता है। कौन करता है? हाइड्रा करता है। 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा कौन करता है? हाइड्रा करता है। दोस्तों हम ऊपर पढ़े हैं कि रीजनरेशन और मुकुलन द्वारा कौन करता है? हाइड्रा करता है। अगला क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट होगा दोस्तों। हाइड्रा प्रजनन करता है, कैसे करता है? मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, कौन किसका होता है? हाइड्रा का। हाइड्रा का प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा होता है। का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, तो कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है वो हाइड्रा होता है। इसमें नहीं दिया, तो देखिए इसमें दिया है सिलेंट्रेट। ठीक है, क्या होता है? सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर इकोडर्म तथा दूसरी अंतः स्तर इंडोडर्म होती है और दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ मध्यश्लेष होती है। सिलेंट्रेटा एक बहुकोशिकीय जंतु है, उदाहरण हाइड्रा। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? हाइड्रा। हाइड्रा दो होती है क्या? दो परतों से बनी होती है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेरनिया निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो कैसे होते हैं दोस्तों? ये पुनर्जनन द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? पुनर्जनन द्वारा होते हैं, यानी रीजनरेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनर्विधन यानी पुनर्जनन कहलाता है। ठीक है, पुनर्उद्भवन यानी पुनर्जनन कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा टिप्रोब्लास्टिक नहीं है? बताना, इसमें टिप्रोब्लास्टिक नहीं है। तो 24 का देखिए दिया है, ए वाला दिया है। ठीक है,
24 का कितना दिया है, ए वाला, यानी जेली फिश। ठीक है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्टोब्लास्टिन नहीं है, तो ये जेली फिश होता है। ठीक है, 24 के बाद देखते हैं अब 25। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, हाइड्रा कर सकता है। कौन कर सकता है, हाइड्रा कर सकता है, इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा किस में प्रजनन होता है दोस्तों, हाइड्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, ठीक है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, तो कौन सा है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा होता है, क्या होता है, हाइड्रा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, पुनर्जन्म के लिए हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में। 28 के बाद देखते हैं 29 नंबर। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्लेटी हेलमिंथनीज, क्या पढ़ेंगे हम, प्लेटी हेलमिंथनीज के बारे में। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैट वार्म चपटे क्रीमी भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, देखिए इसमें चपटे क्रीम यानी प्लेट से, देखिए ऐसे इसको याद किया जाता है, चपटे मतलब पतला है और प्लेट भी क्या होता है, चपटा होता है, इसको ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं, बाकी अगर डायरेक्ट याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। तो जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वार्म यानी चपटे क्रीमी भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, प्लेटी हेलमिंथनीज को, किसको कहा जाता है, प्लेटी हेलमिंथनीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं, तो किसमें होते हैं, प्लेनेरिया में। ठीक है, क्या होते हैं, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, प्लेनेरिया जंतु जगत एवं संघ प्लेटी हेलमिंथनी चपटे कृमि का सदस्य है, इसे वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है, प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे आई स्पॉट जैसे ओछली कहा जाता है जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं, नेत्र धब्बे फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते थे, किसमें होते हैं, ये प्लेनेरिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामक एक फ्लैट वार में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ये प्लेनेरिया होता है, क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी एक उदाहरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, तो क्या होता है, फीता कृमि, ठीक है, टेप वार्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेप वार्म। ठीक है, ये अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, अंतः परजीवी का एक उदाहरण फीता कृमि है, जब अतिथि होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेप वार्म फाइलम संबंधित है, तो टेप वार्म किससे संबंधित होता है, ए प्लेटी हेलमिंथनीज से संबंधित होता है, किससे होता है, प्लेटी हेलमिंथनीज से संबंधित होता है। अगला देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एसके हेलमिंथनीज के बारे में, एसके हेलमिंथनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है जो दोस्तों, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, तो क्या नाम है, राउंड वार्म, क्या होता है, एसके हेलमिंथनीज एक ही क्वेश्चन पूछेगा बार बार ही, एस्केरिस का साधारण नाम क्या होता है, राउंड वार्म होता है, क्या नाम होता है, राउंड वार्म, राउंड वर्म एस्केरिस का साधारण नाम है, एस्केरिस अस्तनियों की आंत का एक पोषदी परजीवी होता है, एस्केरिस लुम्बी क्वाइडिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनीलिडा के बारे में, एनीलिडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिंग के चलते हैं। अब देखिए इसमें है, जोक किस संघ से संबंधित है, तो जोक रिंग के चलता है, तो किस से संबंधित होगा, ये एनीलिडा से संबंधित होगा, जोक किससे संबंधित होगा, एनीलिडा से, जोक एनीलिडा संघ का जंतु है, यह उभयलिंगी होता है, यह बाह्य परजीवी, इसका शरीर लंबा चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो एस्केरिस, एस्केरिस क्या होता है, अभी ऊपर पढ़े हो, ये क्या होता है,
दूसरे वर्ग से संबंधित होता है। ठीक है, एनिलिडा वर्ग को रिंग वार्म या सैंड वार्म के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बहुत बड़ा फाइलम होता है जिसमें 1000 से अधिक सब ज्ञात प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ऊपर स्केरिस के बारे में ऊपर डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो कौन करता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता, एनिलिडा। ठीक है, ये मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता, कौन करता है, एनिलिडा। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। केचुआ एक कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार एवं ताम्रवर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ एनिलिडा संघ का सदस्य, यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केचुआ निम्न में से कौन से संघ से संबंधित है। तो किससे होता है, केचुआ एनिलिडा वर्ग से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों, एनिलिडा संघ से संबंधित होता है। तो 38 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 के बाद देखते हैं 39 नंबर, अगला है क्वेश्चन, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है। ठीक है, तो केचुआ किससे होता है दोस्तों, एनिलिडा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, एनिलिडा से संबंधित होगा। त्वचीय श्वसन होता है, त्वचा से कौन सांस लेता है दोस्तों, केचुआ सांस लेता है। त्वचीय श्वसन होता है केचुआ में। ठीक है, त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है दोस्तों, ये भी बहुत पूछा था, वैज्ञानिक नाम केचुआ का क्या होता है, फेरिटीमा पोस्थुमा। अब चलिए देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा ही होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो कीट किसके द्वारा लेते हैं सांस, श्वास छिद्र द्वारा। ठीक है, कीट बच और पेट के छिद्रों में सांस लेते हैं जिन्हें स्पाइरिकल कहा जाता है। कीड़े स्पाइरिकल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन से उनमें एक नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ये पादपों के समूह में विभाजित नहीं किया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। ये पूछेगा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा ही होता है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं, ये जलीय स्थलीय परजीवी होते हैं। पादप जगत को थैलो फाइटा तथा ब्रायोफाइटा उपजगत में बांटा गया है। इसी के अंतर्गत आवृत बीजी अनावृत बीजी ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में इनके पैर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा इन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त तथा टांगें जोरदार होती हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। इस इनके शरीर प्रायः 3 भागों सिर धड़ तथा उदर में विभाग होते हैं। 43 के बाद अब देखते हैं 44 नंबर, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम होता है मुझका डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, मुझका डोमेस्टिका होता है। अब देखिए वैज्ञानिक नाम जरूर पूछता है, जैसे गेहूँ का नाम दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। तो कैसा होगा, श्वास रंध्रों, क्योंकि ये क्या कीट है और कीटों में कैसा होता है, श्वास रंध्रों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो किस में होते हैं पैर, किस में जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, पैर उनके जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह बताएं दोस्तों, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कौन सा सबसे बड़ा समूह है, आर्थ्रोपोडा होता है। 48 के बाद देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन सा होता है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, आर्थ्रोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो ये होते हैं सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद में सबसे अधिक पैर होते हैं। ठीक है, सहस्त्रपाद नाम ही से पता चल रहा है कि सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजार लाख होता है, तो क्या हो जाएंगे ये अधिकतम पैर किसके हो जाएंगे, सहस्त्रपाद के। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? सोशल इंसेक्ट किसको नहीं कहा जा सकता? तो झींगुर को नहीं कहा जाता है, ठीक है। झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। झींगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झींगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि इन सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अगला, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं दोस्तों? चार जोड़ी होती है, ठीक है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी होती हैं? चार जोड़ी आंखें होती हैं। मकड़ियों में चार जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो ये ततैया एवं भौरों के, ठीक है, ततैया एवं भौरों के क्या होते हैं? दांत होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है कि इनमें से किस कीट के दांत नहीं होते? ततैया तो एवं भौरों के दांत नहीं होते। 55 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ये मोलस्का के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चूड़ प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन संबंधित नहीं है। मोलस्का संघ के जीवों पर शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोघा ऑक्टोपस और कैटेन इनके उदाहरण है, ठीक। घोघा ऑक्टोपस और कैटेन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? एंटीडोन, ठीक है। कौन सा नहीं होगा? एंटीडोन एक ऐसा है इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। 55 के बाद देखते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? घोघा, ठीक है। कौन सा संबंधित हो जाएगा? घोघा। घोघा कैसा होगा? मोलस्का से संबंधित होगा। केचुआ क्या होगा? एनिलीडा से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक हीमोशाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोशाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, ऑक्टोपस का जो खून होता कैसा होता है? वो नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल क्या कर सकता है? अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, एकड़ सीपी क्या है? एक भक्षणी समुद्री घोघा होता है। एकड़ सीपी क्या होता है? एक भक्षणी समुद्री घोघा होता है। 59 के बाद देखते हैं 60, इकाइनोडर्मेटा हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं, ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएँ पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएँ पाने जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चलन में सहायक होता है, और इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, जेलीफिश, कैटल फिश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो ये सत्पाद, ठीक है। ये क्या होता है? सत्पाद, ठीक है। ये मोलस्का संघ के जीव का उदाहरण नहीं है, बाकी सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो क्या होगा? ये माल्पी घियन नलिकाएं। ये क्या होगा? माल्पी घियन नलिकाएं। तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग माल्पी घियन नलिकाएं हैं। तिलचट्टे के मध्यांत और पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीली रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें माल्पी घियन नलिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं टिपिकल होते हैं दोस्तों, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो क्या होंगे? विशेष रूप से मुक्त रूप से कौन रहते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव क्या हैं? इकाइनोडर्मेटा होंगे। कौन से होंगे? इकाइनोडर्मेटा।
64 के बाद अब देखते हैं इसका 65 नंबर। यह जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है, जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है तो क्या हो जाएगी, ये समुद्री खीरा, ठीक है, समुद्री खीरा में जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टारफिश समूह से संबंधित है, तो स्टारफिश समूह से संबंधित कौन है, इकाइनोडर्मेटा, कौन से संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर काटेदार होता है, इनके शरीर में जल प्रवाही संस्थान होते हैं, इन एक लिंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं पांच या अधिक बाह्य में विभाजित रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्रणाली है, तारा मछली सी अर्चिन सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्रणाली है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, संघ के प्राणी अन्यन रूप से समुद्र के मुक्त जीवन जीने वाले हैं तो कौन हो जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं सोल चर्मी बोलते हैं, ठीक है, मुक्त स्वरूप से कौन जीवन यापन करते हैं, इकाइनोडर्मेटा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है तो ये स्टार फिश होती है, दोस्तों ध्यान रखना मछली में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली कौन होती है, स्टार फिश होती है, ठीक है, कौन होती है, स्टार फिश होती है। 68 के बाद देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एक और डेटा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें अब कॉर डेटा के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो व्यासी सममिति जो होता है ये इसकी विशेषता नहीं होती है। अब 69 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, केचुआ, ये कशेरुकी नहीं है, बाकी छिपकली मेढक मछली सब क्या हैं, कशेरुकी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखिए दोस्तों इसमें कौन सा कथन बताना है गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सभी रोजकी कार्डेटा, क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या है, गलत है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। 71 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है, तो क्या होते हैं, बी वाला, वे असममित होते हैं, क्या होते हैं, वे असममित होते हैं, तो ये कशेरुकी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए वो क्या था, गलत था, ठीक है। 72 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, उभयचर, अब हम पढ़ेंगे एम्फीबिया ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता, उभयचर मतलब जो थल में भी चले और जल में भी, ठीक है, तो ये होता है टोड होता है, ठीक है, क्या होता है, टोड, भाई बिल्ली थोड़ी ना पानी में चलेगी, ना तो कबूतर पानी में चलेगा, और ना ये कछुआ भी नहीं होता है, टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आते हैं, कौन सा आते हैं, टोड, तो 73 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, यह निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो हाइला, ठीक है, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दो बार पढ़ेंगे दोस्तों तभी याद हो पाएगा, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो ये होता है मेढक का नाम होता है, क्या होता है, राना टिग्रिना किसका नाम हो जाएगा, मेढक का नाम, एशियाई मेढक का नाम क्या होता है, राना टिग्रिना। चलिए देखते हैं कुछ का नाम दिया है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, ये भेड़िए का नाम होता है केनिस ल्यूपस होता है, एशियाई मेढक का नाम राना टिग्रिना हो जाएगा, बाघ का पैंथरा टाइग्रिस नाम हो जाएगा, तेंदुआ का क्या हो जाएगा, पैंथरा पार्डस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में, ठीक है, कितने हृदय होते हैं, कितने कक्ष के, तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में कितने होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं, ठीक है, उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद 1 नीलय होता है। और दोस्तों मनुष्य में बताना है कि कितने कक्ष के हृदय पाए जाते हैं, हमको कमेंट करके बताना, ठीक है। पक्षियों में मनुष्यों में कितने होते हैं, 4 कक्षीय होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं, लेकिन उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, में तीन कक्षीय हृदय होते हैं, तो दोस्तों अभी बताए हैं कि उभयचर में, ठीक है, उभयचर में क्या होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उभयचर में क्या होता है,
उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ठीक है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 78 के बाद देखते हैं 79 नंबर। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है, तो किस में होती है, उभयचर में, किस में होती है, उभयचर में। वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, किस में, उभयचर में, किस में होता है, उभयचर में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है, तो ये मगरमच्छ उभयचर नहीं होता, ठीक है, मगरमच्छ उभयचर नहीं होता, ये पृथ्वी कहाँ जी पाएगा भाई, उभयचर कैसे हो जाएगा ये। अगला हम डिस्कस करेंगे सरीसृप रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छों के दिल में होता है, तो मगरमच्छ में क्या होते हैं, चार प्रकोष्ठ होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं, दो अलिंद और दो नीला होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है। 82 के बाद अब देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सरीसृप, सरीसृप अकशेरुकियों में शामिल, अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बारे में दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए दोस्तों। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं, अकशेरुकी में अरेकिंड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा आदि शामिल है। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल होते हैं। रिंग कर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों में सरीसृप कहते हैं, उदाहरण सांप, मछली, कछुआ आदि सरीसृप जीव हैं। 83 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के चार चरणों का सही क्रम दर्शाता है, तो मच्छरों के जीवन चक्र के चार चरणों का सही क्रम दर्शाता है, तो सी वाला, अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूरक, ठीक है। पहले क्या बनता, अंडा बनता, लार्वा, प्यूपा और पूरक हो जाते हैं। 84 बाद देखते हैं 85, वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, सरीसृप में क्या होता है, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, किसमें होती है दोस्तों, सरीसृप में होती है, किसकी होती है, सरीसृप में। अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, क्या होता है, तीन कक्षीय होता है, अधिकांश सरीसृपों और उभयचरों में, ठीक है, सरीसृपों और उभयचरों में क्या होता है, तीन कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, अभी ऊपर इसको डिस्कस किए थे दोस्तों। 88, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं, क्या कहते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं, जो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे, अंडज प्राणी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अंडा देने वाले को, ठीक है, अंडा देने वाले प्राणी को अंडज जानवर कहा जाता है। 89 के बाद देखते हैं अब 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90 है, अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। अगला है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैचलिंग कहा जाता है, ठीक है, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, कोडलिंग कीट के बच्चे को, ठीक है, कोडलिंग कीट के बच्चों को कहा जाता है, और घोसलिंग हंस के बच्चा और फिंगरलिंग छोटी मछली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है कछुआ, ठीक है, कछुआ सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आ जाते हैं, टोड समानतः मेढक की तरह होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पक्षी के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, पक्षी के बारे में। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो ये होता है हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का वाल और साकेत जोड़ होता है जो इसे अपने पंखों के सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम होता है। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन हो जाएगा, ये हमिंग बर्ड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो होता है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। बाज की जो चाल होती है कितनी होती है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन है, एबीज में शामिल है, कह रहा है एबीज में शामिल है, तो एबीज में कौन सा शामिल होता है? पक्षी शामिल होता है। कौन सा शामिल होता है? पक्षी। 96 का ये हो जाएगा। 97 पक्षी वर्ग में होती है, तो पक्षी वर्ग में क्या होती है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। पंखों के साथ क्या होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। 97 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का अंडा क्या होता है? सबसे छोटा होता है, और ये पीछे की तरफ उड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो वायु से भरी शारीरिक गुहा कौन होती है? साइनस। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है। अगला क्वेश्चन है, तलवार जैसी चोंचे वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ठीक है, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी। ठीक है, कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट पाई जाती है। यह एक राष्ट्रीय पक्षी है, यह यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है यानी न्यूजीलैंड की। ठीक है, कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर बिल में बनाकर रहती है। पक्षियों में होता है, तो पक्षियों में बताना है कि क्या होता है पक्षियों में। दोस्तों ये चार कच्ची हृदय होता है। ठीक है, 102 का बी हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं दोस्तों, देखिए दिया भी है, 102 का बी ही होगा। उड़ने वाले पक्षियों को का डेटा संघ के एबीज वर्ग में रखा जाता है। इस वर्ग के प्राणी मुक्त समतापी होते हैं। ये वाला बहुत पूछता है दोस्तों, जो पक्षी वर्ग होते हैं क्या होते हैं? समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है, इनके जो तापमान क्या होता है? नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इनका संपूर्ण शरीर नौका दार एवं पंखों से ढका होता है। शरीर सिर गर्दन धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है। पक्षियों में चार कच्ची हृदय पाया जाता है, और मनुष्यों में भी क्या पाया जाता है? चार, दो अलिंद और दो नीले। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो किसका गर्म होता है? रक्त पक्षी वर्ग का। ठीक है, पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है? गर्म होता है, और समतापी भी होते हैं, यानी इनका जो तापमान क्या होता है? एक समान होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर की तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो किसके होते हैं? पक्षी वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो इसमें एक शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी सरसरी पक्षी आदि वर्ग का डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो दिया था शुतुरमुर्ग वो पक्षी वर्ग में आएगा, बाकी सब किस में आ जाएंगे? ये का डेटा संघ के आ जाएंगे। ठीक है, अतः शुतुरमुर्ग क्या है? विषम है। 105 के बाद देखते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो गर्म रक्त वाला कौन हो जाएगा? पक्षी वर्ग होता है। अब पक्षी वर्ग में क्या आ जाएंगे? कबूतर आ जाएंगे। ठीक है, गर्म रक्त वाला कौन होगा? पक्षी होगा। पक्षी में क्या आ जाएंगे? कबूतर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं 106 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसलों में अंडे नहीं देता? ठीक है, तो कोयल आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है। 107 के बाद हम देखेंगे अब ये स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे, स्तनधारी मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैमेलिया। तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? मनुष्य का जो हृदय स्तनधारी क्या होगा? मनुष्य होगा। इसमें जो हृदय होता है वो चार कोष्ठों का होता है। स्तनधारियों के हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जानवरों का होता है, स्तनधारी जानवरों का जो हृदय होता है वो क्या होता है? चार कच्छे होता है। चार कच्छे हृदय हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? बी। यानी पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इनका हृदय क्या होता है? चार कच्छे होता है, और उभयचर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन कच्छे होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो कौन होगा? ये होगा प्लेटिपस होता है। क्या होता है? प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या गलत है भाई? इनके हृदय में क्या होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल मार्सुपियल्स का उदाहरण है? ठीक है, तो कंगारू। कंगारू शिशुधानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आता है। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हैं एवं विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। इनके शिशु को क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है। 112 के बाद अब देखते हैं 113 नंबर, कह रहा है एक कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं, तो एक कुबड़ वाले ऊँट को कहा जाता है ड्रोमेडरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोमेडरी कहते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेडरी कहते हैं। बैक्टेरियन ऊँट के 2 कुबड़ होते हैं, ठीक है, बैक्टेरियन के क्या होंगे? 2 कुबड़ होते हैं। और एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहा जाएंगे? ड्रोमेडरी कहेंगे। और 2 वाले को बैक्टेरियन कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह रेतीली तपते मैदानों में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकते हैं। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए किया जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? बार्क कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहते हैं। उल्लू की आवाज़ को कहा जाता है वह ब्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है? ब्लू व्हेल होता है। क्या होता है? ब्लू व्हेल होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को POD पॉड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेमर क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेमर बोलते हैं। बीबी पारा क्या है? ठीक है, तो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बीबी पारा कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है। तो 119 का देख लेते हैं दोस्तों, भी दिया है। ये रैबिट इस समूह से संबंध नहीं है, बाकी सब एक समूह से। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है दोस्तों, रैबिट यानी खरगोश लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनपायी है जो विश्व के अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जंगलों घास के मैदानों मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों समूह में रहते हैं। अंगोरा उन खरगोशों से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायियों में क्या होता है? ऑप्शन इसका 20 है, योजक बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित कथन पूरा करें, तो ये होगा कि एक मध कालिक यानी मोनोएस्टेस जंतु होता है। ये क्या होता है? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन, ठीक है। एक मध कालिक क्या होते हैं? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, ठीक है, कौन हो जाएंगे? स्तनधारी होंगे। स्तनधारी 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, कौन? कंगारू है जो बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अगला है, अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, कौन देता है? कंगारू क्या करता है? अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। 124 के बाद देखते हैं इसको, 125 नंबर, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी हैं, तो उड़न लोमड़ी क्या होता है? एक चमगादड़ होता है। उड़न लोमड़ी क्या होता है? एक चमगादड़ होता है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुमबिहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है जिसका सिर लोमड़ी जैसे प्रतीत होता है। इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, हिरण, गाय तथा हाथी तीनों संघ का डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप संघ का डेटा के सरसरीप वर्ग में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो कौन कर सकता है, पारपोईशेस। ठीक है, पारपोईशेस क्या कर सकता है, पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं, ये स्तनधारी हैं। ठीक है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं, स्तनधारी होते हैं। मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है, छिपकली। ठीक है, मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, दोस्तों चूहा, बिल्ली, सुअर, ये क्या होंगे, मैमेलिया वर्ग में आते हैं, लेकिन छिपकली नहीं आता है। छिपकली किस में आता है दोस्तों, ये सरसरीप वर्ग में आता है। किस में आता है, ये सरसरीप वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है दोस्तों, तो क्या होता है, डॉल्फिन, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है डॉल्फिन। 130 के बाद देखते हैं इसका 131 नंबर, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है दोस्तों, इसलिए बहुत से इसमें क्वेश्चन अभी। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, तो सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा होता है दोस्तों, चीता होता है। कौन सा होता है, चीता होता है। अब हम पढ़ेंगे मत्स्य, किसके बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य वर्ग के बारे में। इसमें है पहला क्वेश्चन, मत्स्य वर्ग पेशीज पूर्ण रूप से जली जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है, तो ये उष्ण रक्त वाले जो होते हैं, क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये उष्ण रक्त वाले नहीं होते हैं, इसकी कुछ विशेषता दी है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। मत्स्य वर्ग के जंतुओं के निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, धारा रेखी शरीर होता, हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, श्वसन हेतु गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, अंतःकंकाल उपस्थित होता है, त्वचा सलकों से ढकी होती है, असंतापी होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थ युक्त मछली है, ठीक है, जिसमें यानी हड्डियां पाई जाती हैं, तो कौन सी हो जाएगी, सार्क। सार्क उपास्थ युक्त मछली कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है, इन्हें कॉन्ड्रिक्यूज वर्ग में रखा गया है। इसमें सार्क, साफिस, रे, चितादार, ईगल, व्हेल मछली आदि मछलियाँ आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 134 का दिया है सी वाला, तो दोस्तों देखते हैं 134 का सी, तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। 134 के बाद देखते हैं इसका 135 नंबर, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय कक्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। मछलियों के हृदय 2 कक्ष के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मछली में क्या पाया जाता है, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक सही मछली है, बताना इसमें जो दिया है इसमें से कौन सा एक सही मछली होता है, तो जो डॉग फिश होता है क्या होता है, एक सही मछली होता है, बाकी इसमें से कोई मछली नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए समी फिश लगा है तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो अब इसमें डॉग लगा है तो कोई तुक्का भी मारेगा तो नहीं मार पाएंगे भाई, डॉग मतलब क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, तो इसमें मछली नहीं होगा, तो एक सही मछली क्या होगा, डॉग फिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, यानी कौन सा जीव है जो मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, अब देखते हैं बी होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा।
ये कौन सा हो जाएगा, मत्स्य वर्ग से कौन है, डॉग फिश। ठीक है, डॉग फिश क्या होता है, ये वास्तव में एक मछली होता है। तो जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित कौन हो जाएगा, डॉग फिश हो जाएगा। ऊपर अभी क्वेश्चन को देखे हैं, फिर भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, तो किसमें होते हैं, मछलियों में। मछली रोहू क्या होता है, एक मछली होता है, रोहू एक प्रकार का मछली होता है, मछलियों में का हृदय दो चैम्बर का होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं 142 नंबर, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है, तो ये समुद्री घोड़ा इन तीनों से क्या भिन्न है, मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक टेंटापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या होता है, ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो ये है पफर। ठीक है, पफर मछली सबसे जहरीली मछली होती है, पफर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। इस तरह दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगता है। अब अगला डिस्कस करेंगे हम पाचन तंत्र के बारे में अगली वीडियो में।